जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला है, इसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, पिच रिपोर्ट कैसी है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों पाकिस्तान से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम जो कि दोस्तों कप्तान है, फकत जमान, सेम आयूब, इमाद वासिम, अफ्तिकार अहमद, सदाब खान, फहीम अशरफ, साइंसा अफरीदी, हारिस रौफ एंड जमन खान। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। तो चैड वॉश, टॉम लेथम जो कि दोस्तों कप्तान है न्यूजीलैंड के, विलियंग, मार्क चैपमैन, डेरियल मिशेल, जिमी निसाम, रचिन, कोल एमसी, मैट हेनरी, हेनरी सिपली एंड वेन लिस्टर। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दूं दोस्तों ये मुकाबला 17 अप्रैल मंडे को रात को 9:30 बजे से कदाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में ये मुकाबला खेला जाएगा फ्रेंड्स। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों ये बैटिंग पिच है, अभी तक टोटल यहाँ 24 मैचेस खेले गए हैं, जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किया दोस्तों उन्होंने 13 मुकाबले जीते हैं एंड बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने दोस्तों 11 मुकाबले जीते हैं। जो फर्स्ट एवरेज स्कोर रहा है इस पिच का दोस्तों वो 160 रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ यहाँ की वेदर रिपोर्ट की। तो बता दूँ दोस्तों लाहौर का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा एंड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ गदाफी स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की। तो टोटल मैचेस 24 खेले गए हैं, बैटिंग पहले करने वालों ने 13 मुकाबले जीते हैं एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने 11 मुकाबले जीते हैं। परसेंटेज की बात करूं बैटिंग फर्स्ट बॉन 54% एंड बॉलिंग फर्स्ट बॉन 45%। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है वो 160 रहा है एंड सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 145 रहा है फ्रेंड्स। हाईएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो 209.3 विकेट के साथ रहा है एंड लोवेस्ट टोटल 101 रन 10 विकेट के साथ फ्रेंड्स। हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है 176.8 विकेट के साथ रहा है एंड लोवेस्ट वेंडेड 126 रन 7 विकेट के साथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ इस मैच में गिब्बे की। तो बता दूँ दोस्तों इस मैच में 10,000 रुपये का फ्री गिब्बे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 1,000 रुपये का फ्री गिब्बे दिया जाएगा एंड सेकेंड रैंक लाते हो तो आपको 500 रुपये का फ्री गिब्बे दिया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों पाकिस्तान जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ आज का टॉस है कौन जीत सकता है, अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन आज का टॉस है दोस्तों न्यूजीलैंड टॉस जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। मैच एक्सपर्ट एडवाइस की बात करूँ तो हारिस रौफ को एज अ स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड बाबर आजम को एज ए कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों टीमों में हेड टू हेड की बात करूँ फ्रेंड्स तो पाकिस्तान जो कि 20 हेड टू हेड मुकाबला जीता है एंड न्यूजीलैंड जो कि 11 हेड टू हेड मुकाबला जीता है फ्रेंड्स। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैन कोड पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ फैंटेसी टिप्स की। तो टॉप ऑर्डर बैटर आप सिलेक्ट कर सकते हो, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कर रहे हैं उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सिलेक्ट करिए दोस्तों। मोहम्मद रिजवान को आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे एंड दोस्तों आप पेसर्स और स्पिनर्स को दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंफर्टेबल पिच रहने वाली है फ्रेंड्स। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ फ्रेंड्स पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ न्यूजीलैंड टीम से। जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप पाकिस्तान की अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फकत जमान, सेम आयूब, इमाद वासिम, सदाब खान एंड साइंसा अफरीदी। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान की ओर से बन सकते हैं इस मैच में तो आप इनको भी अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि न्यूजीलैंड के बन सकते हैं इस मैच में टॉम लेथम, डेलिय मिसेल, जिमी निसाम, मैट हेनरी एंड वेन लिस्टर। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी जो कि न्यूजीलैंड के बन सकते हैं इस मैच में तो आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ वेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक पाकिस्तान की ओर से रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फकत जमान, सेम आयूब एंड इमाद वासिम। दोस्तों ये बेस्ट परफॉर्मर जो कि पाकिस्तान की ओर से रहे हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मर जो कि न्यूजीलैंड की ओर से रहे हैं फ्रेंड्स, चैड वॉश,
टॉम लेथम, बिल यंग, मार्क चैपमैन एंड डैरियल मिशेल। दोस्तों ये बेस्ट परफॉर्मर जो कि न्यूजीलैंड की ओर से रहे हैं, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों आप मोहम्मद रिजवान को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बाबर आजम को आप एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, जो कि अभी तक 159 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स। डैरियल मिशेल जो कि अभी तक 239 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में एज अ ग्रैंड लीग में आप इनको वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। एंड जिमी नीसाम को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि अभी तक 92 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स। इंजर्ड की बात करूँ, दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रिडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।